एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स दिखाने वाली हूँ जो कि आप किसी भी पार्टी में या फिर वेडिंग में करके जा सकते हैं। ये बहुत इजी है, क्विक हैं और ये ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। सो जो पहला हेयर स्टाइल है दैट इज़ रोमांटिक ट्विस्टेड रोप ब्रेड। सो इसे करने के लिए आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे बाल थोड़े से क्रिम्प्ड हैं। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आपको आपके बालों का जो होल्ड है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, थोड़े वॉल्यूमिनस हो जाते हैं बाल और हेयर स्टाइल्स अच्छे दिखते हैं। सो मैंने एक साइड पार्टिंग कर ली है और मैं एक सेक्शन ले रही हूँ इस तरह से और फिर इस सेक्शन को मैं दो में डिवाइड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से एक ट्विस्ट दे रही हूँ जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद धीरे धीरे मैं दोनों सेक्शंस में थोड़े थोड़े बाल ऐड करूँगी और फिर एक अच्छा सा ट्विस्ट दूँगी जस्ट लाइक दिस। और यही सेम प्रोसेस मैं रिपीट करती रहूँगी, बाल ऐड करके ट्विस्ट करूँगी, फिर बाल ऐड करके ट्विस्ट करूँगी। सो आई विल बी डूइंग दिस जब तक मेरे बाल ख़त्म नहीं हो जाते और सारे बाल मैं एक साइड पे करके जितने भी बाल हैं मेरे इसे इनकॉर्पोरेट करूँगी इस ट्विस्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ट्विस्ट बनने लग गया है जस्ट लाइक अ रोप, एक रस्सी की तरह ट्विस्ट दिखना शुरू हो गया है। और मैं इसे अगेन कंटिन्यू करूँगी जब तक मेरे बाल ख़त्म नहीं हो जाते। बाल ऐड करूँगी दोनों सेक्शंस में एंड देन अगेन आई विल ट्विस्ट, अगेन आई विल ऐड सम मोर हेयर एंड देन अगेन आई विल ट्विस्ट। और इस तरह से मैं करती रहूँगी जब तक मैं एकदम बालों के एंड पे नहीं पहुँचती। और लास्टली जब मैं हैप्पी हूँ अपनी रोप ब्रेड से, मैं एक हेयर टाई लूँगी और इसे अच्छे से सिक्योर करूंगी ताकि मेरे बाल खुले ना। तो एक बार जब आपकी ये ब्रेड हो जाए, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ही लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे आप छोड़ेंगे, और इसे आप ऊपर से थोड़ा सा और लूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी हेयर स्टाइल टू डू इन एनी पार्टी और ओकेजन, और ये बहुत क्विक है करने में भी। सो आई रियली लाइक दिस हेयर स्टाइल और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। नाउ लेट्स गो टू हेयर स्टाइल नंबर 2 दैट इज़ ट्विस्टेड हाफ अप टू। तो इस हेयर स्टाइल के लिए भी सेम टेक्सचर है, मेरे बालों के हल्के से क्रिम्प्ड है। एंड इस टेक्सचर बालों में सबसे पहले मैं एक सेक्शन लूँगी बैक ऑफ माई हेयर जस्ट लाइक दिस, और एक हेयर टाई से एक छोटी सी पोनी टेल बनाऊँगी मैं। पोनीटेल बनाने के बाद मैं इस पोनीटेल को 3 सेक्शन में डिवाइड करके एक रेगुलर ब्रेड करूँगी जैसे कि हम नॉर्मली एक चोटी गूंथते हैं, जस्ट वैसे ही इससे एक रेगुलर ब्रेड बनानी है। और फिर इसे अगेन एक हेयर टाई की मदद से मैं इसको सिक्योर कर दूंगी ताकि ये खुले ना। और जब ये हो जाए तो हम फ्रंट सेक्शन पे काम करेंगे और मैं अपना फ्रंट सेक्शन लेके इसे इस तरह से ट्विस्ट करने लगूंगी अपने चेहरे से दूर की तरफ जस्ट लाइक दिस। और फिर धीरे धीरे इसे ट्विस्ट करूंगी और धीरे धीरे इसे पुल करना शुरू करूंगी ताकि जो ट्विस्ट है उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम आए, इस तरह से थोड़ा सा मेसी लुक दिखे। और फिर जो हमने चोटी बनाई थी इसके अंदर से ये ट्विस्ट निकालना है और एक पिन के मदद से इसे सिक्योर कर देना है जस्ट लाइक दिस। और हमें सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं दूसरी साइड भी। अगेन ट्विस्ट करूँगी अच्छे से और फिर धीरे धीरे पुल करना शुरू करूँगी ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट वॉल्यूमनाइज लगे। आप इस तरह से पुल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर ट्विस्ट वॉल्यूमनाइज। एंड देन अगेन चोटी के बीच में से मैं इस तरह से पकड़ के इस ट्विस्ट को निकाल दूँगी और फिर बाद में इसे पिन के साथ सिक्योर कर दूँगी ताकि ये निकले ना। और अगर कहीं भी आपको अपने स्कैल्प दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा ट्विस्ट को और पुल करके उसे भी आप हाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी लुक नंबर 2, वेरी इजी टू डू एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी इन एनी वेडिंग और पार्टी। Now the third hairstyle is Roman goddess braid. I love this braid और बहुत ही voluminous और बहुत ही अच्छी braid बनती है। तो ये same second hairstyle के साथ continuation में है। मैं थोड़े से और अपने hair लूँगी chunks में और उसे twist करना start करूँगी just like this to have that voluminous hair। और फिर again मैं इसे धीरे धीरे अपनी जो braid है उसमें से निकालती रहूँगी। Again second साइड पे भी इसी तरह से करूँगी और मैं ये तब तक करती रहूँगी जब तक कि आई एम आउट ऑफ हेयर, मेरे बाल नहीं ख़त्म हो जाते। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। चोटी के बीच में से निकाल के ट्विस्ट करना है एंड देन पिन करना है, देन अगेन ट्विस्ट करना है, फिर चोटी के बीच में से निकालना है एंड अगेन देन पिन करना है। तो ये कंटिन्यू करते रहिए जब तक एक बहुत वॉल्यूमिनस ब्रेड की लुक नहीं आ जाती, जस्ट लाइक दिस। और ये हेयर स्टाइल और भी बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप इसे कर्ली बालों में कर देंगे, तो ये और वॉल्यूमिनस और एकदम ग्रीक गॉडेस जैसी ब्रेड दिखेगी आपकी। बहुत ही प्यारा लगता है ये हेयर स्टाइल एंड इट्स वेरी मेसी एंड वेरी एलिगेंट हेयर स्टाइल्स टू डू इन वेडिंग्स और एनी पार्टी। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेयर स्टाइल्स पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। बाय बाय।